अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग इंडोर होने वाला है एंड आपको आइडिया मिल गया होगा आज के व्लॉग में होने क्या वाला है। इंट्रो के पार्ट से तो आपने देखा बर्थडे सेलिब्रेशन एंड ऑल गिफ्ट्स मिले, तो वही गिफ्ट्स को मेरे को आपके साथ शेयर करना है। तो मैं ये वाले बर्थडे में बहुत सरप्राइज हो गई थी, काय को मेरा फेवरेट मेरे को गिफ्ट मिले। इन फ्यूचर यू गाइज गेट टू नो वॉट काइंड ऑफ videos I going to share with you with cinematic shots and all। तो भैया से मेरे को एक्सपेक्टेड था भैया इस बर्थडे में मेरे को कैम गिफ्ट करने वाले, बट ऑन माई बर्थडे अचानक ऐसा बर्थडे सीन्स नहीं चल रहे थे, बट अचानक मैं शॉक्ड हो गई भैया ने जब रात के 12-1 को मेरे को गिफ्ट हैंड ओवर किया एंड ऑल। तो अमेजिंग पार्ट था, कभी इतना बड़ा गिफ्ट नहीं मिला था। तो इतने सालों के बाद भैया हमें से चॉकलेट्स ये सब देते थे, लेकिन कुछ भी गिफ्ट हो वो मेरे लिए प्रेशियस होता है। लेकिन इस बर्थडे 19th बर्थडे इज वॉज अमेजिंग, कैम मिल गया यार। चलो उसका अनबॉक्सिंग करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करने के लिए और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो चलो शुरू करते अनबॉक्सिंग। सो गाइस आई गॉट Canon 200D in other countries they call is it SL2। So I got 18-55mm lens kit, standard lens kit, and other one is 55-250mm lens kit. It has 2-year warranty, so no tension, I can go to any center of the Canon. So here I got Wi-Fi, a Bluetooth, it has 16 GB memory card. So let's unbox. ऐसे तो मैंने unbox कर दी है, means wrapper हटा के main unbox तो अभी करते हैं। So here it is, all the manuals and guidebook. पढ़ना जरूरी है guys, कुछ ऊंच नीच ना हो, इस बार एक बार read कर लो बस। There is some main service centers where I can go. हाँ ये अच्छा है, best part. Workshop का भी मिला है, means complimentary workshop new DSLR पर. कोई भी मैं workshop center में जा सकती हूँ Canon के, and regarding this Canon 200D, उन लोग मेरे को सिखा सकते हैं ये कैमरा को और कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हो, यूजफुल थिंग्स। सो नेक्स्ट इज चार्जर, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, SD कार्ड 16 GB। और ये रहा हमारा बैटरी, एक और मिलना चाहिए था। स्ट्रैप्स, कैनन स्ट्रैप्स। So here is one lens, I think it is 18-55mm lens kit, standard. So here it is, my baby Canon 200D, so compact guys, it's like Sony का mirrorless camera recently जो आया है उसके जैसा है, but mirrorless नहीं है लेकिन ये भी चलता है। चलो देखते हैं, दिस वन इज 55-250mm लेंस, सो बिग, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे जब आउटडोर शूट में जाए। साइड में तो
guys, talking about this camera, it's so compact and easy to travel. तो व्लॉगिंग में बहुत मजा आने वाला है. और बेस्ट पार्ट ये व्लॉगर्स लोग के लिए इसीलिए अच्छा है, फ्लिपेबल स्क्रीन भी है इसमें, तो हम लोग रोटेट करके कभी भी देख सकते हैं. सो हेयर इट इज द शटर बटन, द मेन डायल, iOS एंड डिस्प्ले बटन एंड मोड्स. इट हैज वेरियस मोड्स लाइक मैनुअल, AV, TV एंड पोर्ट्रेट. तो हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. देन ऑन ऑफ बटन, देयर इज अ डिस्प्ले बटन एंड मेन्यू एंड इन्फो एंड दिस इज वाईफाई कनेक्शन. सो वाईफाई कनेक्शन का ये बेस्ट पार्ट होगा कि मोबाइल के थ्रू हम ऑपरेट भी कर सकते हैं. उसके लिए आपको कैनन का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा. और हेयर इट इज HDMI पोर्ट एंड डेटा ट्रांसफर पोर्ट. और ये लेफ्ट साइड में माइक, हम लोग माइक ज्वाइन कर सकते हैं रोड का, एनी काइंड ऑफ माइक. तो व्लॉगिंग सुपर क्लास होगा और ऑडियो क्वालिटी बेस्ट हो जाएगी. ऐसे तो मैंने इसका ट्राई किया, मेरी एक फ्रेंड के पास भी है, तो ऑडियो बहुत अच्छा है. तो लेट्स पुट बैटरी एंड बूट द कैमरा. मैंने अभी बैटरी एंड SD कार्ड डाल दिया है, तो लेंस भी लगा देते हैं. स्टैम अब फॉर आपको दिखाने के लिए स्टैंडर्ड लेंस लगा देती हूँ, 18-55 mm. गाइस लेंस लग चुका है, लेट्स बूट द कैमरा. चलो ऑन करते हैं. तो हियर इट इज ऑल द मोड, द मैनुअल मोड. तो हम लोग इधर एपर्चर सेट कर, गाइस लेंस लग चुका है, लेट्स बूट द कैमरा. चलो ऑन करते हैं. तो हियर इट इज ऑल द मोड, द मैनुअल मोड. तो हम लोग इधर एपर्चर सेट कर सकते हैं, IS. तो इट इज द फर्स्ट मोड, इमेज क्वालिटी ड्राइव, ड्राइव मोड, इमेज मोड, शटर बटन एंड FA ऑपरेशन वन शॉट. अभी सेटिंग करना बाकी रह गया. ये इसका बेस्ट पार्ट है कि हम टच स्क्रीन का यूज बहुत अच्छा कर सकते हैं, टच करके हम कर सकते हैं पूरा. मीटरिंग मोड इज इन थर्ड, वाइट बैलेंस, ऑटो मोड, टेबल कलर, प्रोटेक्ट इमेजेस, क्रिएटिव फिल्टर्स, मेन्यू, शूटिंग स्क्रीन, फीचर मोड, डिस्प्ले मोड, एवरीथिंग इज देयर. गाइज इसका बेस्ट पार्ट है कि इसका डुअल पिक्सल ऑटो मोड है, कि हम लोग जब भी कुछ फोटो हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो टच करके हम ये ऑटोमेटिकली फोकस कर सकते हैं. तो व्लॉगिंग के लिए बेस्ट है कि अगर हम लोग कभी भी व्लॉग करें तो मेरा फेस आई ऑब्जेक्ट फट आई को जल्दी कैप्चर कर जाएगा आगे पीछे होते. सो ये गाइज ये शूटिंग के लिए बहुत बेस्ट है. इधर AI सर्वो मोड भी है, अगर कैप्चर वीडियो करे तो सर्वो मोड तो बेस्ट ही है, देखो जल्दी फोकस में ले लेता है. AI फोकस वन शॉट भी. लेट्स मूव ऑन टू आपको थोड़ा सैंपल शॉट्स भी मैं दिखाने वाली हूँ आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. इट हैज 180-60 MPS मोड, यू कैन चूज एनी फ्लूइड वीडियो. बैटरी लाइफ बहुत अच्छा है, 2 घंटे चार्ज करने के बाद आप अच्छे से यूज कर सकते हो. अगर आपने वाईफाई से कनेक्टेड नहीं किया हो मोबाइल को और फ्लैशलाइट इंक्लूड ना किया हो तो
और बेस्ट पार्ट तो मैंने बता दिया, फ्लिपर स्क्रीन और टच स्क्रीन के मोड के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हो। एंड इट हैज इनबिल्ट टाइम लैप्स ऑप्शन, पॉकेट फ्रेंडली तो बहुत है ये कैमरा, 3-inch स्क्रीन। तो गाइस इतना तो रिव्यू दिया है मैंने। फ्लैशलाइट आप जब इन हाउस शूट करते हो तो उसके लिए ठीक ठाक है, मीन्स घर में किसी का बर्थडे पार्टी ये सब कर रहे हो तो उस हिसाब से इसका फ्लैशलाइट अच्छा है। अगर लेकिन आउटडोर कुछ शूट कर रहे हो स्पेसिफिकली, उसके लिए अलग से आपको एक्सटर्नल फ्लैशलाइट इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, आगे के व्लॉग्स और क्रेजी फैंटास्टिक होने वाले, सिनेमैटिक शॉट्स भी होएंगे, लविंग इट। सो गाइस इट वॉज द स्मॉल रिव्यू ऑफ कैनन 200D। हियर आर द सम ऑफ द सैम्पल शॉट्स क्लिक बाय कैनन 200D। कैसे लगा बताना जरूर गाइस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक दैट सब्सक्राइब रेड बटन, क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब रेड बटन एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। सो गाइस प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट। आगे के और भी क्रेजी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहो मेरे साथ गाइस। तो तब तक के लिए बाय गाइस, स्टे हैप्पी स्टे पीसफुल विद यू गाइस। Happy birthday to you, happy birthday dear Momo, happy birthday to you. Salah Nepal lah tuh.